Hey guys, I'm Sheenam. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे माइक्रोवेव ओवन में, वो भी कन्वेक्शन मोड पे। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनके हमारा रेडी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं, अनियन लिया है और कैप्सिकम लिया है। चीज़ की जगह पे हम ये वाइट सॉस का यूज़ करेंगे जिसे हम बनाएंगे। और टॉपिंग के लिए पिज़्ज़ा पास्ता सॉस यूज़ कर रही हूँ। ये है टोमेटो केचप, ओरिगैनो जिसे हम सीजनिंग भी कहते हैं, और चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा बेस रेडीमेड ही यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ये वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून बटर लिया है, ये सॉल्टेड बटर है। सेम क्वांटिटी हम यूज़ करेंगे मैदे की, यानी कि रिफाइंड फ्लोर की। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसे भूनेंगे। याद रखिए कि हमने मैदे का कलर चेंज नहीं करना, बट इसका जो कच्चापन है वो 1 मिनट में रोस्ट होके ठीक हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। स्टार्टिंग में इसमें थोड़ी सी लंप फॉर्मेशन होगी, गुथलियाँ बन जाएंगी, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दूध डालेंगे और हम यूज़ करेंगे विस्कर का। विस्कर की हेल्प से हम विस्क करेंगे तो जो भी हमारे लंप की फॉर्मेशन हुई है, जो गुथलियाँ बनी हैं, वो सब डिज़ोल्व हो जाएंगी और हमारे पास बहुत ही सिल्की और स्मूथ सी वाइट सॉस बन के हो जाएगी रेडी। ये देखिए, इसमें कोई भी गुथली नहीं है। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक और काली मिर्ची डालेंगे 1/8 टीस्पून और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। तो हम इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रखेंगे रनिंग, क्योंकि ये बाद में थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक पिज़्ज़ा बेस लिया है। सबसे पहले इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बटर, सॉल्टेड बटर अप्लाई कर रही हूँ। इसको मैंने आधा घंटा पहले ही फ्रिज से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख दिया था। इससे हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही मॉइस्ट रहेगा, बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर अप्लाई करेंगे केचप। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे जो हमने वाइट सॉस बनाया था, इसको भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी भी क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर लगाएंगे हम अनियन, उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे कैप्सिकम। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वेजी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, जैसे कि मशरूम, ब्रोकली, पनीर, जो भी आपको पसंद हो। अब इसके ऊपर हम स्वीट कॉर्न लगाएंगे, थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे और देन सीजनिंग इसके ऊपर लगाएंगे, देन चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। फिर से एक बार इसके ऊपर लगाएंगे हम वाइट सॉस। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव को 180 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। तो हम रैक के ऊपर पिज़्ज़ा रख के हम इसे कन्वेक्शन मोड पे बेक करेंगे। कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम अपना माइक्रोवेव खोल के देखेंगे तो हमारा पिज़्ज़ा बनके हो गया है रेडी। किसी ग्लव्स की हेल्प से या फिर कपड़े की हेल्प से हम रैक को निकालेंगे। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा हमारा बना है। इसको खाने में बिल्कुल ऐसा आपको फील नहीं होगा कि आपने इसमें चीज़ का यूज़ नहीं किया है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। आप पिज़्ज़ा कटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ इसे कट करने के लिए। इस मेथड से एक बार पिज़्ज़ा बना के ज़रूर देखिएगा। अगर ये आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ टोटली फ्री। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।